अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डेली फूड एंड केक रेसिपीज में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक वेज खाने वालों के लिए और एक नॉन वेज खाने वालों के लिए दो टाइप की चटनियाँ। तो यहाँ पर हम बनाएंगे मूंगफली के दानों की चटनी। तो दोनों के लिए मैंने हरी मिर्च भी लिए और लहसुन भी लिए, ये कम से कम मुट्ठी भर भर कर लिए, ज़्यादा है दोनों के लिए भी। और मूंगफली के दाने हैं ये 100 से 150 ग्राम। और ये तो हो गई मूंगफली के दानों की चटनी, सिंपल सी लैंग्वेज में सिंगदाना चटनी। और यहाँ पर लिए बोमिल की चटनी के लिए, देखिए बोमिल को मैंने इस तरह से टुकड़ा कर कर रखा है। और 4 से 5 प्याज ली है, उसे कट कर लिया है। हम सबसे पहले इसे हरी मिर्च और लहसुन को पीस लेंगे मिक्सी में। तो ये देखिए हरी मिर्च और लहसुन को मैंने दरदरा पीस लिया है, इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब डालेंगे इसमें हम मूंगफली के दाने और इसे भी पीस लेंगे। चटनी के लिए हमें इस्तेमाल करने हैं, इसलिए दरदरा ही पीसेंगे मूंगफली के दानों को हम। तो ये देखिए इस तरह से पीसने हमें मूंगफली के दाने। तो अब चटनी बनाने के लिए मैंने रखा है गैस पर तवा। आप लोग बोलोगे कि तवा कितना गंदा है, लेकिन ये गंदा नहीं है। इसके ऊपर मैंने बाजरे की रोटी बनाई है, देख सकते हो आप। बाजरे की रोटी बनाने के बाद तवे की हालत ऐसी ही हो जाती है, ये देखिए। ये देखिए कितनी अच्छी बाजरे की रोटी बनी है अपनी। तो मैं बाजरे की रोटी बड़ी बड़ी ही बनाती हूँ, जैसे हम चूल्हे पे बनाते हैं उसी तरह से गैस पर भी बनाती हूँ, देखिए। अब तवे पर डालेंगे हम तेल। तो तेल मैंने 2.5 चम्मच डाला है, ये बड़ा चम्मच है। और इस तेल में डालेंगे हम हरी मिर्च का अपना रगड़ा जो हमने पीसा है। तो मैं दो पैटर्न की चटनी आपको क्यों दिखा रही हूँ, मेरे हस्बैंड जो है बोमिल या सुकट की चटनी नहीं खाते हैं और मेरे बच्चे भी नहीं खाते हैं, इसलिए मैं मूंगफली के दानों की चटनी अलग से बना रही हूँ। तो सोचा चलिए आपसे भी शेयर कर ले। अब इसमें डालेंगे हम ये मूंगफली के दाने जो हमने पीसे हैं। इसमें डालेंगे हम नमक। नमक मैं यहाँ पर 1 चम्मच डाल रही हूँ और गैस के मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे भूनना है, जलानी नहीं है चटनी। आज का खाना बिल्कुल विलेज स्टाइल बनाया है मैंने। बाजरे की रोटी मैं बड़ी क्यों बनाती हूँ, क्योंकि तो मेरे मायके में चूल्हा था, तो चूल्हे पर इसी तरह से बड़ी बड़ी रोटियाँ बनाती थी, तो इसलिए मैं ऐसी ही रोटियाँ बनाती हूँ, आदत है मुझे। इसे हम अच्छे से भूनेंगे जब तक कि ये मूंगफली के दाने क्रिस्पी ना बन जाए, तब तक भूनेंगे हम लाइट गोल्डन कलर आने तक। तो
चटनी बन गई अपनी यहाँ पर। ये देखिए जब आपकी चटनी बनेगी तो इसमें ऐसे छोटे छोटे बबल्स आने लगेंगे, देख सकते हो आप। इसका मतलब है क्रिस्पी बन गई हमारी चटनी। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब बनाएंगे हम दूसरी वाली चटनी हमारी बोमिल की। तो इसे हम पानी से धो लेंगे। अब इसी तवे पर डालेंगे हम तेल। तो तेल थोड़ा ज्यादा ही डालना है हमें, क्योंकि हमें ज्यादा तेल में ही बोमिल तलने हैं अपने, तभी अच्छे से फूलेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे हम। तेल गर्म हो गया है अपना, डालेंगे इसमें हम अपने बोमिल। ये देखिए मैंने धोकर लिए ताकि इसके ऊपर जो कुछ गंदगी लगी है वो सब निकल जाए। इसे गैस के हाई फ्लेम पर ही हम तलेंगे। कब तक तलने हैं मैं दिखाती हूँ आपको। इसे चलाते रहेंगे ताकि ये क्रिस्पी बन जाए अच्छे से। तो बोमिल अपने तल गए हैं यहाँ पर अच्छे से। गैस की फ्लेम को मैंने अब हाई पे लो कर दिया है। जब बोमिल अच्छे से तलेंगे तो ये देखिए इस तरह से उसमें से बबल निकलेंगे। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने निकाल लिया है प्लेट में। हमें इसे जलाने नहीं है, चलाते रहेंगे तो बस इसी तरह से गोल्डन नजर आएंगे आपको। अब जो तवे पर तेल बचा है इसी में हम डालेंगे अपनी ये प्याज। और इसे भी गैस के हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। इसे भी हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो प्याज अपनी गोल्डन हो गई है, इसे साइड में कर लेंगे और इसके बीच में और थोड़ा सा तेल डालेंगे। और इसमें डालेंगे हरी मिर्च जो हमने पीसी है। तो ये जो चटनी है थोड़ी तीखी अच्छी लगती है, हम इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। इसे भी फ्राई करेंगे। इसमें डाल देंगे हम नमक। ये चटनी खाने में बहुत बढ़िया लगती है और बाजरे के रोटी के साथ अगर खाएंगे ना आप तो इसका टेस्ट कभी भूल नहीं पाएंगे, इतनी टेस्टी लगती है ये चटनी। तो अब इसमें डालेंगे हम अपने ये बोमिल। ये देखिए कितने क्रिस्पी हो गए हैं, टूट रहे हैं, देखिए आप। ये देखिए आवाज आ रही होगी आपको, ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी तले हैं मैंने।
तो इसमें डाल देंगे हम और इसे मिक्स कर लेंगे। तो अपनी चटनी तैयार है। यहाँ पर गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। तो तैयार है यहाँ पर अपनी बोन मील की चटनी। देखिए कितनी मस्त दिख रही है। और ये सिंगदाना चटनी और ये बाजरे की रोटी। तो ये तीनों चीजें बिल्कुल विलेज स्टाइल बनी है आज। तो आपको आज की ये मेरी विलेज स्टाइल दो पैटर्न की चटनियाँ और ये बाजरे की रोटी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर पसंद आई हो तो एक बार लाइक ज़रूर करना और इसे ट्राई ज़रूर करना एक बार। सच में बहुत ही लाजवाब लगती है ये खाने में। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरी अगली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।